नमस्कार साथियों। देखिए एक पुरानी कहानी है साथियों। एक राजा को राज करते काफी समय हो गया था, उसके बाल भी सफेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में उत्सव रखा और अपने मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। वह अपने गुरुदेव को भी बुलाया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाएगा। नर्तकी होती है साथियों नाचने वाली। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी ताकि नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर वे भी उसे पुरस्कृत कर सकें। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊंग रहा है और तबले वाले को सावधान करना जरूरी है, वरना राजा का क्या भरोसा, दंड दे दे। तो उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। घनी गई थोड़ी रही या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर तबला बजाने लगा। जब यह दोहा गुरुजी ने सुना तो गुरुजी ने सारी मोहरें उस नर्तकी को अर्पण कर दी। दोहा सुनते ही राजकुमारी ने भी अपना नौ लखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। दोहा सुनते ही राजा के युवराज ने भी अपना मुकुट उतार कर नर्तकी को समर्पित कर दिया। राजा बहुत ही अचंभित हो गया, सोचने लगा रात भर से नृत्य चल रहा है पर यह क्या, अचानक एक दोहे से सब अपने मूल्यवान वस्तु बहुत ही खुश होकर नर्तकी को समर्पित कर रहे हैं। राजा सिंहासन से उठा और नर्तकी को बोला, एक दोहे द्वारा एक सामान्य नर्तकी होकर तुमने सबको लूट लिया। जब यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरुजी कहने लगे, राजा इसको नीच नर्तकी मत कहें, ये अब मेरी गुरु बन गई है, क्योंकि इसके दोहे ने मेरी आंखें खोल दी हैं। दोहे से यह कह रही है कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चलाया हूँ। भाई मैं तो चला। यह कहकर गुरुजी तो अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर ही चल पड़े। राजा के लड़के ने कहा, पिताजी मैं जवान हो गई हूँ, आप आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरा विवाह नहीं कर रहे। आज रात मैं आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद करने वाली थी, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे सुमति दी कि जल्दबाजी ना कर, हो सकता है तेरा विवाह कल हो जाए, क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है। युवराज ने कहा, महाराज आप वृद्ध हो चले हैं फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे थे, मैं आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपको मारने वाला था, लेकिन इस दोहे ने समझाया कि पगले आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुम्हें ही मिलना है, क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है, थोड़ा धैर्य रख। जब ये सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों न मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं, फिर क्या था। उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक किया और अपनी पुत्री को कहा, पुत्री दरबार में एक से एक राजकुमार आए हुए हैं, तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नर्तकी ने भी वैराग्य आ गया और उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं अपना नृत्य बंद करती हूँ, हे प्रभु मेरे पापों से मुझे क्षमा करना, बस आज से मैं सिर्फ तेरा नाम सुमिरन करूँगी। तो साथियों कहने का मतलब यही है, ये कहानी यह सीख देती है कि शिक्षा लेने वाला चाहिए, हर वाक्य में हर शब्द में ज्ञान भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है। आप उस वाक्य
या उन शब्दों से कितना ज्ञान ले पाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। शिक्षा हमेशा व्यक्ति को आगे ही बढ़ाती है, उसमें सोचने समझने की शक्ति पैदा करती है। तो साथियों, ज्ञान लगातार प्राप्त करते रहें, जहाँ से भी मिले वहाँ से ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। आज की शानदार कहानी के साथ में बस इतना ही साथियों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।